हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम नंदिता है और आप सभी मेरे चैनल गोवा ब्लॉग नंदिता को देख रहे हैं। आज मैं गोवा की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बताऊंगी और क्या गोवा टूरिस्ट के लिए ओपन है या ओपन हो रहा है और क्या आप लोग गोवा आ सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन है, इन सब के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे भी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं लेट्स गो। पहले गोवा की मैं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर देती हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हाल ही में गोवा के सीएम ने कर्फ्यू लगाया। कर्फ्यू के कारण पॉजिटिव रेट में 46% की गिरावट आई। मीन्स कर्फ्यू के कारण गोवा को फ़ायदा हो रहा है। कर्फ्यू लॉकडाउन का छोटा भाई है। पहले कर्फ्यू 10 मई तक था, लेकिन सीएम साहब ने इसको बढ़ाकर 23 मई तक कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि क्या गोवा ओपन रहेगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कर्फ्यू में एसेंशियल शॉप लाइक ग्रॉसरी, मेडिसिन, मिल्क एंड वेजिटेबल्स ओपन रहेंगी, बट इनका टाइमिंग बनाया गया है सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुला रहेगा। गोवा में सीएम साहब का आदेश है कि सारी वेडिंग्स कैंसिल कर दी जाए और घर पर ही आइसोलेट रहें, क्योंकि गोवा जैसे छोटे राज्य में कोरोना के कारण 55 लोगों की डेथ हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि क्या गोवा टूरिस्ट के लिए ओपन है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हाँ, आप लोग गोवा आ सकते हैं, लेकिन आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव होना चाहिए। मींस आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करवा कर ही आना पड़ेगा, या फिर आप लोगों को वैक्सीन का प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आप लोगों को दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं। गोवा में टूरिस्ट की बात की जाए तो वाटर स्पोर्ट्स 15 दिन पहले ही बंद कर दिया गया है। यहाँ का सिचुएशन ऐसा है कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि क्या ये गोवा है। गोवा में बहुत ही कम पीपल रोड में आपको देखने को मिलेंगे। बीच रेस्टोरेंट खुले हैं, लेकिन बीच में ऑफिशियली नहाना मना है, लेकिन कुछ लोग चोरी छिपे नहा लेते हैं और रेस्टोरेंट वाले केवल पार्सल देते हैं, वहाँ पर बैठ कर खाना बिल्कुल मना है। एटलीस्ट मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग अभी गोवा मत आइए, सिचुएशन को थोड़ा ठीक होने दीजिए, इसके बाद ही आना। अभी हम लोग ही घर पर आइसोलेट हैं। अगर बाहर जाने का मौका मिला तो मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे गोवा की न्यूज़ आप लोगों को सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।